बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और इसके साथ अपना व्लॉग शुरू करता हूँ। तो आज हम आए हुए हैं अपने गांव में। ये हमारा गांव घर से थोड़ा दूर है, इधर मेरे फूफा जी रहते हैं। तो इधर मैं पहले भी आया हूँ, आपने शायद देखा हो पिछले व्लॉग में मैं बकरी लेने आया था। और तो फूफा जी रहते हैं, मैं इधर आया था, मौसम बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है। और अभी बताया है भाई ने, नवीद भाई ने, कि हमारे पास जामुन का दरख्त है। तो मैंने कहा जामुन तो लाजमी खा कर जाएंगे। तो आबिद भाई हमारे साथ हैं, वो पीछे खड़े हैं, उन्हें है जल्दी, उन्होंने जाना है वापसी घर। लेकिन मैंने कहा जामुन पहले खाएंगे, उसके बाद हम वापस जाएंगे। आबिद भाई को मैंने एक कंडीशन रखी है उनके सामने कि आप जामुन, मुझे 2 किलो जामुन अगर बाज़ार से लेके देंगे तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। तो इस पर आबिद भाई खामोश हो गए। तो अब मैं जा रहा हूँ जामुन खाने, और जामुन के दरख्त पर जो अभी भाई ने सीढ़ी भी रखी हुई है जामुन के दरख्त के साथ, और हम जामुन खाएंगे। और नवीद भाई भी ऊपर चढ़े हुए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। अभी मैं पहुँच चुका हूँ जामुन के दरख्त के करीब। अगर आप देख सकते हो मेरी बैक साइड पर, वो इतना बड़ा जामुन का दरख्त है। नवीद भाई ऊपर पहुँच गए आप? तो ये हमें तो बड़ा मुश्किल लगता है शहरी लोगों को, लेकिन जो ये गांव वाले लोग होते हैं तो इन्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती, ये आराम से दरख्तों के ऊपर चढ़ जाते हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त माहौल है, मौसम बहुत अच्छा बना हुआ है, इन्जॉय कर रहे हैं, और इसी के साथ हम जामुन खाने आए हुए हैं। तो ये जामुन का दरख्त है, नवीद भाई ऊपर गए हुए हैं जामुन तोड़ने, अगर आपको नज़र आए तो। नवीद भाई कंफर्टेबल है उधर खड़े हुए? ठीक खड़े हैं ना ऊपर? तो नवीद भाई को टेंशन नहीं हो रही, लेकिन मुझे इधर से खड़े होकर टेंशन हो रही है। बड़ा ही ज़बरदस्त व्यू है और बहुत ही मज़ा आ रहा है गांव के अंदर आके। ग्रीनरी ग्रीनरी है, ग्रीनरी पे आके इंसान वैसे ही खुश हो जाता है। बड़ा ही ज़बरदस्त माहौल है और बड़ा ही मज़ा आ रहा है। ये साथ सीढ़ी रखी हुई है ताकि दरख्त के ऊपर चढ़ा भी जा सके। तो लेकिन नवीद भाई बग़ैर सीढ़ी के ऊपर चढ़ गए हैं, और ये भाई हैं हमारे साथ, मोहम्मद इकबाल भाई हैं हमारे साथ। इकबाल भाई आप भी जाएंगे ऊपर? तो इकबाल भाई भी अभी ऊपर जा रहे हैं और ये जामुन तोड़ कर लाएंगे हमारे लिए। तो इकबाल भाई अब जाने के लिए तैयार हैं आप? तो अभी इकबाल भाई दरख्त के ऊपर जाएंगे, आप देख सकते हैं कितना ही बड़ा दरख्त है ये। और इकबाल भाई जाने के लिए तैयार हैं आप? तो इकबाल भाई अभी जा रहे हैं ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ इकबाल भाई कितनी जल्दी जाएंगे ऊपर। और ये आप देख सकते हैं कि मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, इकबाल भाई ऊपर चले भी गए हैं। इकबाल भाई को ज़रा भी डर नहीं लग रहा, लेकिन मुझे डर लग रहा है अभी भी। इकबाल भाई ज़रा संभल के। नहीं नहीं मैं इधर ही खड़ा ठीक हूँ भाई, मैंने नहीं आना ऊपर। तो देखे कितना ही ज़बरदस्त व्यू है, बहुत ही अच्छा मौसम है, हवा चल रही है ठंडी, और आप देख सकते हैं आसमान पे बादल हैं। बड़ा ही प्यारा व्यू आ रहा है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ठंडी ठंडी हवा है, और गांव के अंदर तो वैसे भी मौसम खुशगवार और ताज़ा हवा, तो मुझे बड़ा ही मज़ा आ रहा है, आप देख सकते हैं। अभी मैं आया हुआ था बैक साइड पे, ये देख सकते हैं नीचे कितनी ही ज़बरदस्त, ये मुझे घास लग रही थी, लेकिन नवीद भाई और इकबाल भाई ने बताया कि ये पनीरी है, ये अपना चावलों की जो होती है पनीरी है, जो चावल काश्त करते हैं। अभी ये इधर लगी हुई है, उसके बाद जब ये बड़ी होगी और चावलों का मौसम आएगा उसके बाद इसको खेतों में लगाया जाएगा। इकबाल भाई ने बताया कि ये धान की पनीरी है, ये अपना अभी मौसम इसका नहीं है। इकबाल भाई इसका मौसम कब आएगा, कब लगाई जाएगी ये? तकरीबन 10 से 15 दिन बाद, देख सकते हैं कितनी ही ज़बरदस्त लग रही है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे इधर। तो मैं आबिद भाई को कहता हूँ कि आबिद भाई हमने अभी नहीं जाना। तो आबिद भाई कहते हैं कि मैंने घर जाना है शुजाबाद, लेकिन मौसम इतना ज़बरदस्त है और मैं जाना नहीं चाहता। आबिद भाई अभी फ़ोन पे बिज़ी थे और ये मुझे नहीं पता कि वो कहाँ रह गए हैं।
अभी नवीद भाई, इकबाल भाई ऊपर हैं और अभी जामुन तोड़ के ला रहे हैं। तो इकबाल भाई बहुत जल्दी चढ़ चुके थे उसके पर दरख्त के ऊपर जामुन के, और नवीद भाई भी ऊपर हैं। नवीद भाई कितना टाइम लगेगा अभी? 5 से 10 मिनट बता रहे हैं, हमें वेट करना पड़ेगा अगर फ्रेश जामुन खानी है तो। तो इसके लिए मैं वेट करूंगा क्योंकि मैं बाज़ार से नहीं लूंगा, मैं आज फ्रेश और फ्री में जामुन खाऊंगा। फ्री में जामुन खाएंगे और बाज़ार के अंदर मुझे पैसे देने पड़ेंगे। तो गांव में आके बड़ा ही मज़ा आ गया है और उसके बाद फ्री में जामुन खाने को भी मिलेगा। तो अभी मैं आ रहा था, रास्ते में नवीद भाई ने बताया कि ग्रीन टी का पौधा लगा हुआ है इनके पास। इनके पास सियालकोट से आया है और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ग्रीन टी जो हम पीते हैं अक्सर। ग्रीन टी का ये पौधा है, कितना ही प्यारा लग रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये ग्रीन टी है जो हम पीते हैं अक्सर ग्रीन टी, और बड़ी ही ज़बरदस्त लग रही है। ये देखिए पौधा, आप चेक कर सकते हैं, ग्रीन टी का पौधा है ये। तो मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं एक और हमें ग्रीन टी का जो पौधा मिला है। ये नवीद भाई, ये अभी तैयार हो चुका है, अभी होगा ये? तो ये तैयार हो चुका है और ग्रीन टी आपके लिए हाजिर खिदमत है। अगर किसी ने पीनी हो तो ये ग्रीन टी मौजूद है, ये ले जाए और घर जाके बॉयल करके पानी में डाल के बना के पी सकता है। ग्रीन टी तैयार है और इसी के साथ नवीद भाई बता रहे हैं इनके पास अमरूद का ये पौधा भी है। अमरूद का ये दरख्त है, ये देखें छोटा पौधा होता है ये। तो ये अभी ये देख सकते हैं छोटे छोटे इसमें लगे हुए अमरूद, और अभी इसको थोड़ा टाइम है पकने में, लेकिन हम आए थे जामुन खाने और हम जामुन खाएंगे आज नवीद भाई के साथ। नवीद भाई ने हमें तोड़ के देनी है जामुन, उसके बाद हम जामुन खाएंगे। अभी नवीद भाई ऊपर बिजी हैं तो मैंने कहा इसके साथ और चीज़ें भी देखी जाए। तो आप मेरी बैक साइड पर देख सकते हैं कितना ही ज़बरदस्त लग रहा है। ये माल्टे का पौधा है, पेड़ है, और बड़ा ही प्यारा है, बिल्कुल ग्रीन और प्यारा लग रहा है। तो इकबाल भाई अभी कितना टाइम है? अभी तो इसमें माल्टे अभी तो नहीं है, तो अभी देख सकते हैं, मुझे नज़र भी आ गया, ये देखें माल्टा नज़र आ गया है, लेकिन अभी इसे टाइम लगेगा क्यों। तो ये फल जो है सर्दियों में हमें मिलेगा। तो अभी मैं आगे आया हूँ तो मुझे नज़र आया जामुन का एक छोटा सा पौधा, और ये देखें ये बड़ा होगा, उसकी तरह बहुत बड़ा दरख्त बनेगा। जामुन का पौधा आप देख सकते हैं कितना ही ज़बरदस्त लग रहा है। और इसके साथ ही आगे मैं जाता हूँ तो खजूर का आपको पौधा नज़र आएगा, ये भी छोटा है, ये भी अभी बड़ा होगा और उसके बाद इसके अंदर खजूर लगेंगी। अभी आबिद भाई मुझे बार बार आवाज़ दे रहे हैं कि वापस चलें, लेकिन मैंने जामुन खाए बगैर नहीं जाना। और ये मेरी बैक साइड पे आप देख सकते हैं गन्ने की फसल काश्त हुई पड़ी है। और इन्वायरमेंट बड़ा ज़बरदस्त है, खुली फिज़ा है और मज़ा आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो आबिद भाई आ चुके हैं, ये पहले मोबाइल पर बिजी थे, लेकिन अब इनकी आंख अब खुली है कि वापस चलना है। जब से कहाँ बिजी थे भाई आप? भाई कॉल आ गई थी, कॉल आ गई थी, तो इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं। तो हमने तो जामुन खा कर ही जाना है, ऐसे हमने नहीं जाना। खाए बगैर भी आप जा सकते हैं। तो इसके लिए अगर हम पहले जाएंगे तो आपने 2 किलो जामुन हमें लेकर देनी है बाजार से। नहीं, बाजार से आपको हम लेंगे भाई, अब नहीं मिलेगी। मैं आपको जगह बता दूंगा क्योंकि मैंने मंडी में भी व्लॉग बनाया है, तो मंडी के दोस्त भी है मेरे पास, लेकिन पेमेंट आपने पे करनी है, वरना तो आपको वेट करना पड़ेगा। नवीद भाई अभी लगे हुए हैं, वो देखें उन्होंने शापर जो है वो फुल कर लिया है, तो अब बराए मेहरबानी थोड़ा जल्दी करें, मौसम आपके सामने है। मौसम बड़ा ही ज़बरदस्त है, लेकिन क्या करें, दिल नहीं कर रहा जाने का बड़ा। या आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं, बड़ा दिल खुश हो रहा है। आबिद भाई आपको कैसा लग रहा है इधर आके? बहुत अच्छा फील हो रहा है, लेकिन जल्दी डेली इंजॉय करते हैं क्योंकि मेरा घर खुद का भी गाँव में, तो इसलिए। तो आबिद भाई का घर गाँव में है, इसलिए मुझे जल्दी लेकर जा रहे हैं, क्योंकि मैं डेली देखता हूँ, आबिद भाई डेली देखते हैं, लेकिन मैं डेली नहीं देखता। आबिद भाई मैंने नहीं जाना। नहीं, हमने जाना है अभी। तो आबिद भाई मैंने नहीं जाना जब तक हम जामुन नहीं खाएंगे भाई। वो देखें उधर, दिखाएं ना कैमरा उधर भी दिखाएं, देखें। तो नवीद भाई अभी ऊपर ही बिजी हैं। तो नवीद भाई आपने 10 मिनट का कहा था, 10 मिनट से ऊपर टाइम हो चुका है, अभी नहीं हुआ। नवीद भाई ने भी ऊपर टाइमर लगाया हुआ है,
और अभी मैंने पहले दिखाया व्यूअर्स को, ये धान की पनीरी है और धान काश्त होगा इससे। और आबिद भाई भी अभी बता रहे हैं, आबिद भाई को हमसे ज़्यादा पता है क्योंकि ये गांव में रहते हैं। आप देख सकते हैं कि आबिद भाई ने हमें एक और पौधे के बारे में बताया, अनार। कितना ही ज़बरदस्त है, ये देखे अनार भी लग रहे हैं इधर। ये अनार को आप देख सकते हैं, अनार लग रहा है, अभी तो छोटा है। और इसको कितना टाइम लग जाएगा अभी इसको? एक माह लग जाएगा इसे, तकरीबन एक माह लगेगा इस अनार को। तो अभी नवीद भाई ने बताया है कि बड़ा अनार है। नवीद भाई वो किधर है? कि उधर भी एक अनार का पौधा है, तो हम उधर भी जाएंगे और वो बड़े वाला अनार भी चेक करेंगे। गांव की जिंदगी और खूबसूरत, खुशहाल और मजेदार। नहीं जा सकते क्योंकि हमारे कपड़े खराब हो जाएंगे, जंतर है। हम अंदर नहीं जा सकते, एक मुश्किल है क्योंकि यहाँ घास काश दिया हुआ है, ये जानवरों का घास है, इसे जंतर कहते हैं देहाती जबान में। और मैं तो घास ही कहूँगा क्योंकि चारा, चारे के तौर पे इस्तेमाल होता है, तो मैं इसे चारा ही कहूँगा। और इसके दाग, आबिद भाई बता रहे हैं, दाग बहुत बुरे होते हैं। कपड़ों पर अगर दाग लग जाए तो आपके जो कपड़े हैं उनके ऊपर से वो दाग ख़त्म नहीं होगा, तो इसलिए हम अंदर जाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेंगे। हम देखते हैं, अगर हमें कहीं से रास्ता मिल गया तो हम लाजमी जाएंगे, लेकिन अभी तक हमें रास्ता नहीं मिल रहा अंदर जाने का। नवीद भाई जब तक उधर बिजी हैं, जामुन तोड़ने के लिए गए हुए हैं और हम जा रहे हैं आगे अनार देखने। अनार देखने और बहुत ही मज़ा आ रहा है। आबिद भाई मेरी बैक साइड भी देख सकते हैं, वो जा रहे हैं। आबिद भाई अभी कितना दूर और चलना पड़ेगा? मेरा हाथ थक चुका है भाई। तो आबिद भाई का कहना है कि ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है, ये तो अनार है। अनार तो हमें मिल गया लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा आबिद भाई, तो इसलिए अभी मैं आगे जा रहा हूँ। आबिद भाई को मैं फॉलो कर रहा हूँ, अब ये पता नहीं कि आबिद भाई किसको फॉलो कर रहे हैं। आबिद भाई आप कहाँ ले आए हैं? तो अभी तक हमें रास्ता नहीं मिला। तो आबिद भाई का कहना है कि ये जंतर जो है ये छोटी है, तो इधर वो कह रहे हैं कि इधर जो दाग लगने के चांस हैं बिल्कुल कम हैं, तो इसलिए हम अंदर जाएंगे। आबिद भाई आपके पास है वाइट कलर का सूट, मेरा सूट जो है ये कलर वाला है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर दाग लग भी गए तो ये आपके लिए ही होगा मुश्किल, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। तो अभी मैं अंदर जा रहा हूँ, तो आबिद भाई ने रास्ता भी बना दिया और जो जंतर है उसका बेड़ा गर्क भी कर दिया साथ के साथ ही। अब ये देखें अनार, ये आबिद भाई ने ये देखे, देख सकते हैं शापर लगाया हुआ है ताकि इसको मक्खी वगैरह कीड़े का अटैक ना हो, इसलिए ये शापर हम बिस्मिल्लाह करके खोलेंगे इसको। तो आबिद भाई बता रहे हैं कि ये ऊपर शॉपर लगाया हुआ है, मक्खी होती है जो इस अनार को खराब कर देती है। माशाल्लाह, तो ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा है, कितना ही ज़बरदस्त। आप देख सकते हैं ये अनार कितना ही खूबसूरत है। अभी इसको टाइम लगेगा, तकरीबन मे भी एक माह लग जाएगा ऐसे ही। आप एक माह से 25 दिन तकरीबन, एक माह से ज़्यादा? हाँ जी, एक माह या 20 दिन बस। आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं बड़े ये फूल लग रहे हैं, इसके बाद इधर अनार लगेंगे और बड़े ही मज़े के अनार लगेंगे। जब ये बड़े हो जाएंगे तो हम अनार खाने भी आएँगे। तो आबिद भाई अभी आपने ये अनार नहीं तोड़ना, अभी नुकसान नहीं करना, उस साइड से चेक करते हैं। तो आबिद भाई की अभी तगो दो जारी है, वो चाह रहे हैं कि कहीं से खाने के लिए अनार मिल जाए। तो इससे पहले इन्हें जल्दी थी जाने की, लेकिन अनार का नाम सुनते इनकी जो जल्दी थी वो ख़त्म हो गई है। और मेरे ख्याल से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इन्होंने एक और अनार ढूंढा है जिसके ऊपर भी शॉपर लगा हुआ है। नवीद भाई और नवीद भाई ने अपने फार्म में बहुत मेहनत की हुई है माशाल्लाह से। देखें यार, अनार के ऊपर शापर चढ़ाया हुआ है ताकि इसे नज़र ना लगे। माशाल्लाह देखें कितना ही प्यारा, देख इसका साइज़ भी आप देखें, बड़ा हो गया है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आबिद भाई ये कौन सा है? एक सफ़ेद अनार होता है, एक लाल अनार है, कौन सा अनार है? ये काले हार इसे कहते हैं, काले हार इस जो वैरायटी है इसका नाम है काले हार। तो ये अनार वाइट कलर में होता है और इसका अंदाज़ा इस चीज़ से होता है, ऐसे करके देखते हैं तो ये पता चल जाता है कि ये पका हुआ है या कच्चा सही है। तो अभी तो ये कच्चा होगा जी, बिल्कुल तो ये कच्चा है। इधर तो कोई भी बता सकता है आबिद भाई ये कच्चा अनार है। ये
ऐसे करके देखते हैं, जब ये पक जाता है तो ये दाने ऊपर हो जाते हैं, ऐसे जोर लगाते हैं अंदर से आवाज आती है फिर इसके। सही, तो आबिद भाई ने जो अनार की फार्मिंग भी की है पहले, क्योंकि उन्हें इसके बारे में पता है, इनके भाई का एक फार्म है, तो कभी उधर भी जाएंगे, उधर भी विजिट करेंगे। अरे भाई अभी जो इसके अंदर है ना पकने वाली कोई भी वो नहीं है, कोई भी इसके अंदर पकने वाली कोई खुशियत नजर नहीं आ रही, तो हम अभी तक तो जारी रखेंगे। मेरे ख्याल से आबिद भाई ने एक और अनार का पौधा अभी ढूंढना है। मुझे लगता है कि आप हमें वापस जाना चाहिए, बारिश का मौसम बहुत तो आबिद भाई अभी आपने अनार ढूंढा, उसके बाद अब अनार जो है उन्हें अभी बहुत टाइम लगेगा पकने में, तो इससे बेहतर है कि हमें जामुन ही खाने चाहिए, हमें कुछ कर जाना चाहिए बैग नहीं, लेकिन फिर इसके लिए हमें जामुन ही खाना चाहिए। हाँ, जामुन खाना चाहिए, और राइट 15 से 20 दिन बाद दोबारा हमें इस फॉर्म में आना चाहिए। देखें नाजरी कितना खूबसूरत व्यू है, आप बैक साइड पे देख सकते हैं आरिफ भाई के, माशाल्लाह नवीद भाई ऊपर चढ़े हुए हैं अभी भी, आप देख सकते हैं मेरी बैग से, बहुत ही जबरदस्त लग रहा है, बहुत दिल खुश हो रहा है। आबिद भाई शायद आपका ना हो रहा हो लेकिन मेरा दिल खुश हो रहा है, उसकी वजह यह है कि मैं गांव में आया हूँ, खुली फिजा में आया हूँ हम, क्योंकि ये मौसम डेली एंजॉय करते हैं, तो लेकिन हमने आज एंजॉय करना है, तो मैं अपनी मर्जी से आज वापस जाना नहीं, है। नहीं 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 आरिफ भाई अब हमने चलना है, क्योंकि मैंने अपने गाँव भी जाना है शुजेबाद, जो यहाँ से तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर का सफर है, अगर बारिश आ गई। आबिद भाई कोई गलती हुई है, क्योंकि शुजाबाद मैं भी जाता हूँ, शुजाबाद का सफर 60 किलोमीटर है जहाँ तक इनका घर है, क्योंकि मैं उधर जाता हूँ, आबिद भाई का घर है, आबिद भाई का बोलो यार, जितना भी शॉर्टकट कर ले तो वो भी 50 किलोमीटर से ऊपर जाता है, तो बिला तकीर अब हम जाते हैं दोबारा नवीद भाई के पास के उन्होंने जामुन तोड़े हैं या नहीं, तो क्योंकि जामुन तोड़ लिए हैं और काले बादल आ चुके हैं और बारिश के इम्कान ज्यादा है, हमने वापस भी जाना है लेकिन हमने जामुन लेकर फिर जाना है। हवा बहुत तेज चल रही है, शायद आपको मेरी आवाज ना आ रही हो, ये बैक साइड पे देख सकते हैं, ये धान की फसल काट हुई हुई है, जो अभी हमने देखा था उधर धान की पनीरी लगी हुई थी, और बारिश भी शुरू हो चुकी है और हमने वापस भी जाना है। नवीद भाई आपने अभी तक जामुन तोड़े हैं या नहीं? नवीद भाई हमसे दूर है, आप देख सकते हैं वो जामुन का दरख्त है, हमने उधर तक जाना है जामुन लेने और वापसी के लिए निकलना है, अभी हम जाते हैं जामुन लेने के लिए, और ये मुझे लगता है ये हमें महंगा ना पड़ जाए। आबिद भाई ने तो पहले ही कहा था कि वापस चलते हैं, लेकिन ये मेरी जिद थी कि जामुन लाजमी खाने हैं, रास्ता कच्चा है और आगे मज़े की बात यह है कि हमने कच्चे रास्ते से वापस जाना है, कीचड़ हो गई और बारिश अभी तेज़ हो चुकी है और मेरे ऊपर अभी बारिश आ रही है, चंद कतरा शुरू हो चुके हैं और बड़ा मुश्किल हो रहा है। नवीद भाई कितनी देर है भाई? नवीद भाई बारिश आ रही है, हमने वापस भी जाना है, बारिश शुरू हो चुकी है और थोड़ा बारिश तेज़ हो गई है, हमें मुश्किल होगी। तो आबिद भाई मेरे ख्याल से आपका प्लान कैंसिल हो चुका है वापसी जाने का, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, हमने इंशाल्लाह हर हाल में शुजाबाद जाना है, तो इन्होंने लाजमी जाना है, तो मैं इससे इन्हें इसी बात पर कायम रखूंगा कि इन्होंने वापसी जाना है, और मैं इन्हें भेज कर ही रहूँगा, चेंज भी हो सकता है क्योंकि बारिश अब आ चुकी है और बारिश आ रही है, ये मेरे मोबाइल के ऊपर भी जो बारिश के कतरात आ चुके हैं, मेरे ऊपर भी कतरे आ चुके हैं, और आबिद भाई के ऊपर मेरे ख्याल से अभी तक कोई कतरा नहीं आया, तो अल्हम्दुलिल्लाह नवीद भाई नीचे आ चुके हैं और वो जामुन का एक शापर भर के लाए हैं। नवीद भाई आ जाए, हमने वापस भी जाना है, बारिश भी शुरू हो रही है, तो नवीद भाई ये देखे जामुन का पूरा शॉपर लेकर आए हैं, जामुन है, तो ये मैं अभी एक मिनट, ये अभी मैं देखता तकरीबन 2 किलो से ये ज़्यादा जामुन है, तो इधर रहने का हमें फ़ायदा ये हुआ है, आबिद भाई ने 2 किलो भी, 2 दाने भी नहीं खिलाने थे उधर जामुन के हमें, ये तो हम चेक करके आपको, आबिद भाई जामुन को चेक करने जा रहे हैं, लेकिन ये आबिद भाई पहला जामुन मैंने खाना है क्योंकि फरमाइश मेरी थी, और लेकिन आबिद भाई ने मेरे साथ ये चीटिंग की है और ये जामुन खुद खा लिया है, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मीठे जामुन है भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और मैं भी शुरू करता हूँ, आपने नहीं खाने, बड़ा ही मजे का, दिल खुश हो गया। नवीद भाई बहुत शुक्रिया आपका, ये नवीद भाई हैं बहुत अच्छे भाई हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत की है, अभी जाके दरख्त के ऊपर गए हैं, देख सकते हैं कितना बड़ा दरख्त है,
सीढ़ी भी रखी हुई है, लेकिन नवीद भाई बगैर सीढ़ी के ऊपर चले गए हैं। नवीद भाई आप कैसे चले जाते हैं ऊपर? बस चले गए गांव के लोगों की। नवीद भाई आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आपके पास आएंगे तो इंशाल्लाह फिर हम जामुन खाएंगे। तो आबिद भाई कह रहे हैं नेक्स्ट टाइम दोबारा आएंगे नवीद भाई के साथ, फिर नेक्स्ट टाइम फिर जामुन खाएंगे। तो इसी के साथ दीजिए मोहम्मद आरिफ को इजाज़त। आरिफ लाइफस्टाइल के नाम से मेरा चैनल है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त। अस्सलामुअलैकुम।